नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। कि अधिकांश खाना बदोश
कर सीतावर्डी मेट्रो नागपुर महानगर पालिका के गांधीबाग जोन की महिला कर्मचारियों ने मंगलवार को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया। मिशन साहसी की सुनीता मौंदिकर ने जोन के महिलाओं को संकट के समय आत्मरक्षा करने के विविध उपायों से उन्हें अवगत कराया और प्रशिक्षण दिया गया। राजे रघुजी भोसले नगर भवन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपमहापौर मनीषा धवड़े, गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक, पार्षद नेहा वाघमारे, पार्षद सरला नायक आदि की प्रमुख मौजूदगी रही। कार्यक्रम का आयोजन गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक की पहल पर किया गया। इस अवसर पर उपमहापौर मनीषा धावड़े ने कहा, समाचार पत्रों और समाचार चैनलों पर महिलाओं या लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की रोजाना खबरें आती
जाती है। आज के महिलाओं को शिक्षित, आर्थिक रूप से सशक्त और अपनी रक्षा के लिए सक्षम होने की बहुत आवश्यकता है। महिलाएं समय पर अपने पास मौजूद छोटी छोटी वस्तुओं और सामग्रियों से भी अपनी रक्षा कर सकती है। उन्होंने मिशन साहसी की सुनीता मौंदेकर को उन्हें प्रशिक्षण देने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। परिचयात्मक भाषण में गांधीबाग जोन की अध्यक्षा श्रद्धा पाठक ने कार्यक्रम के आयोजन की वजह के बारे में बताया। परिवार और ऑफिस में काम के तनाव के कारण महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है। यदि वे किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना है तो उन्हें सक्षम बनना पड़ेगा। नागपुर महानगर पालिका की उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को 3 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की और हुए 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। दल ने 35 मंगल कार्यालय, 48 मंदिर, 7 मस्जिद, 27 स्कूल कॉलेज और 4 अन्य धार्मिक स्थलों समेत कुल 118 स्थानों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी और NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में जोन स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। मंगलवार को शहर में 4,225 घरों का सर्वे किया गया। डेंगू रोकथाम अभियान के तहत मनपा की स्वास्थ्य टीम द्वारा डेंगू पीड़ितों के आवास के आसपास के क्षेत्र में सर्वे कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को जोनल स्तर पर सर्वेक्षण के दौरान 92 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। इसके अतिरिक्त 7 बुखार के मरीज मिले। 80 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 127 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया। इन कूलरों में मच्छर पाए गए। निगम की टीम द्वारा 12 कूलर खाली कराए गए। 79 कूलरों में 1% टैमीफॉस घोल, 30 कूलरों में 2% डिफ्ल्यू बेंजियोरम टैबलेट डाले गए। साथ ही 6 कूलरों में गप्पी मछली छोड़ी गई ताकि पानी में मौजूद लार्वा का खात्मा हो सके। मनपा ने आह्वान किया है कि डेंगू रोकथाम अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक इस बात का ध्यान रखे कि उनके घर के आसपास अथवा क्षेत्र में कहीं भी मच्छर न पनपे। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।